आईपीएल 2021 का मैच नंबर 52 जो कि दोस्तों आज खेला जाने वाला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी और हैदराबाद दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, साथ में अबू धाबी की आज की क्या है पिच रिपोर्ट और जानेंगे आज के मुकाबले में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पे टीम आरसीबी और हैदराबाद के अभी तक के आईपीएल 2021 में परफॉर्मेंस की। तो आरसीबी की टीम 12 में से 8 मुकाबले जीत चुकी है, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे अभी मौजूद है। वहीं दोस्तों हैदराबाद की टीम के लिए सीजन अभी तक 12 में से 2 मुकाबले में जीत मिली और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे हैदराबाद की टीम अभी मौजूद है। दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अभी तक आईपीएल में दोनों टीमों ने आपस में 18 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 10 मुकाबलों में हैदराबाद और आरसीबी टीम को 8 मुकाबलों में जीत मिली है। और आईपीएल 2021 में दोस्तों फर्स्ट हाफ में इन दोनों के बीच एक मुकाबला खेला जा चुका है जिसमें हैदराबाद की टीम को हार मिली थी। उस मुकाबले को आरसीबी की टीम ने 6 विकेट से अपने नाम किया था। अगर दोस्तों आपको इस मुकाबले यानी कि हैदराबाद और आरसीबी के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ में प्रेडिक्शन जाननी है, विनर जानना है, तो आप लोग दोस्तों व्हाट्सअप कीजिए अभिषेक सिंह को। पूरे आईपीएल में दोस्तों इनका काम जबरदस्त रहा है और दोस्तों इनकी प्रेडिक्शन ज़्यादातर सही होती है, तो आप लोग दोस्तों इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हो। उनका व्हाट्सअप नंबर आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबू धाबी की आज की क्या है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों एक बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। यहाँ दोस्तों प्रोजेक्टेड स्कोर रहता है 150 रन से 160 रन और आज भी दोस्तों हम सभी को इतने रन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। वही दोस्तों अगर बात करें गेंदबाजों की तो यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ही कम मदद मिलेगी। हो सकता है दोस्तों तेज गेंदबाजों को मदद मिल सके और इसके बाद दोस्तों जो टीम पहले टॉस जीतती है वो यहाँ पे पहले चेस करने का डिसाइड करती है, तो आज भी हम सभी को ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। अब हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, जहाँ पे ओपनिंग करते हुए विराट कोहली और पडिकल नजर आएंगे। नंबर 3 पे केएस भरत, नंबर 4 पे मैक्सवेल, नंबर 5 एबी डिविलियर्स, नंबर 6 पे टिम डेविड या फिर डेनियल क्रिश्चियन में से कोई एक नजर आएगा, नंबर 7 पे शाहबाज अहमद, नंबर 8 पे जॉर्ज गार्टन, नंबर 9 हर्षल पटेल, नंबर 10 मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पे युजविंदर चहल, हम सभी को आज आरसीबी की टीम की तरफ से नजर आ सकते हैं। वहीं हम हैदराबाद की टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग करते हुए रॉय के साथ में वृद्धिमान साहा, नंबर 3 विलियमसन, नंबर 4 प्रियम गर्ग, नंबर 5 अभिषेक शर्मा, नंबर 6 अब्दुल समाद, नंबर 7 जेसन होल्डर, नंबर 8 पे राशिद खान, नंबर 9 भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे उमरान मलिक और नंबर 11 पे सिद्धार्थ कौल, हम सभी को हैदराबाद की टीम की तरफ से आज नजर आने वाले हैं। तो यह है दोस्तों दोनों टीमों की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब हम दोस्तों इस मुकाबले के विनर की बात करते हैं तो दोनों टीमों की रिसेंट परफॉर्मेंस साथ में दोस्तों प्लेयर की फॉर्म्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरसीबी की टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है और आज भी दोस्तों आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन दोस्तों अगर आपको श्योरिटी के साथ में इस मुकाबले का विनर जानना है तो आप लोग व्हाट्सअप करिए अभिषेक सिंह को, जिनका व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ में विनर बताते हैं तो इनको व्हाट्सअप करना ना भूलना। और दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना।